क्या आपने कभी जे रॉबर्ट ओपन हैमर का नाम सुना है? ये वो साइंटिस्ट है जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है क्या? तो ये है एटॉमिक बॉम्ब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1943 की। मूवी का नाम है ओपन हैमर। पर हाँ, ये पूरी की पूरी मूवी का आइडिया जो चुराया गया है वो इंडिया मूवी पर से चुराया गया है, हमारी परमाणु मूवी जिसमें काम किया है जॉन अब्राहम ने। फर्क सिर्फ इतना रखा गया है कि इंडिया में इंडिया के एटॉमिक पावर के बारे में हिस्ट्री के साथ इसे ज्वाइन करके मूवी रिलीज की गई थी। सेम एज इसमें ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिका में क्या हुआ था उस वक्त जब परमाणु के ऊपर परीक्षण चल रहा था। पर आखिर ओरिजिनल आइडिया तो इंडिया का ही था। एक बार इनकी छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं जिससे मूवी का आइडिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1905 में, वो भी न्यूयॉर्क में। वैसे काफी अच्छी जगह पर जन्म हुआ था। और ये ऑफ हुए थे 1967, मतलब कि इसी बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर, जो कि है 1939 से लेकर 1945 के बीच। इसी टाइम पे इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था लॉस अल्मोस लेबोरेटरी का। और हाँ, एक मेन बात, इन्हें द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। आखिर ये न्यूक्लियर वेपन का आइडिया इन्हीं का तो था। एक अलग से लेबोरेटरी बनाई गई, वो भी द मेक्सिको के सिटी में। और हाँ, यहाँ पे हर तरह के इंजीनियर्स को बुलाया गया। आखिर खुफिया काम था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, ये दिन था 16 जुलाई 1945, जिस दिन ये बॉम्ब सच में तैयार हो गया। इसी बॉम्ब को हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला गया था, उसके बाद वहाँ की तबाही बहुत ही बुरी थी। चलिए, अब छोटे से हिस्ट्री मैंने बता दिया तो एक लाइक तो बनता है। अब चलिए रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मेन बात कि इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनकी बोलने की स्टाइल देखो या फिर चलने की स्टाइल देखो, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेट करती है आपको पता है? बेन 10 के एक कैरेक्टर प्रोफेसर पैराडॉक्स से काफी ज्यादा रिलेट कर रही है चीजें। अब ये मंजे हुए एक्टर का नाम तो आपको जानना ही पड़ेगा, ये है सिलियन मॉर्फिन। चलिए शुरू करते हैं। मेन बात ये है कि एक और एजेंसी जो कि एटॉमिक पावर के ऊपर काम कर रही थी वो 18 मंथ्स आगे चल रही थी इस एजेंसी से। ये बात हमारे साइंटिस्ट को पता थी। वैसे बस यहीं से सारी की सारी स्टोरी की शुरुआत हो रही है। अब एक अलग सा शहर बसाया जाता है जहां पे हर तरह के इंजीनियर्स, वर्कर्स, साइंटिस्ट और सभी के सभी इक्विपमेंट को इकट्ठा किया जाता है। द मेक्सिको सिटी की शायद बात हो रही है यहाँ पे। अब इसी सिटी में उनके पूरे के पूरे परिवार के साथ उन्हें बुलाया जाता है। पता है क्यों? स्पेशली जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब प्रोजेक्ट पूरा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर और ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, मतलब कि उनका उतना ज्यादा हम लोग यूज भी नहीं करते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारा वर्क इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड में बटा हुआ था। अब इन सारी के सारी फील्ड को कोलैप्स करके एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया और एटॉमिक पावर स्टेशन को काफी तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया, क्योंकि ये लोग 18 मंथ का जो गैप है दूसरी एजेंसी से वो छीन के खुद आगे बढ़ जाए। शॉर्ट में बताऊ तो हाँ, ये परमाणु परीक्षण काफी हद तक अच्छा और सक्सेस रहा। लेकिन अब इस साइंटिस्ट को ये बात बुरी लगने लगी थी क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था, इसकी सोच से भी ज्यादा। और इसे गीते का एक श्लोक भी याद आ गया इससे कि तुमने हमें खुद को तबाह करने का वेपन दे दिया है। अब इतना बड़ा वेपन बनाया तो साइंटिस्ट के भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर आई होगी, जैसे कि उसके काफी ज्यादा दुश्मन हो सकते हैं या फिर कोर्ट में इसे काफी ज्यादा आंसर भी देने पड़ेंगे इस बॉम्ब के बारे में। और हाँ, जनता के सवालों का तो कोई भी इलाज नहीं है, इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम भी जरूर होगी। अब बात आती है वो दिन की जब ये बॉम्ब सच में हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका गया, जिसके बाद जो तबाही हुई उसी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर इस मूवी का ट्रेलर आपको हिंदी में देखना है तो हाँ, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। वैसे मजा काफी आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाया गया है मूवी को, बिल्कुल हमारी परमाणु मूवी की तरह। और हाँ, ये रिलीज होने वाली है 21 जुलाई 2023। इन्फॉर्मेशन और रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।